अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। चलें आ रेसिपी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 10 से 12 दाने स्ट्रॉबेरी के लिए, जो मैंने अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिए इसको। ये 5 टेबलस्पून मैंने शुगर लिए, 1/2 कप मैंने ये व्हिपिंग क्रीम लिए, ये मैंने 1 गिलास जितना दूध लिया ये, और ये मैंने क्यूब्स लिए। आपके पास ये व्हिपिंग क्रीम नहीं हो तो आप आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, वनीला आइसक्रीम या कोई सी भी आइसक्रीम डाल सकते हैं। चलें आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाना। ये मैं स्ट्रॉबेरी ली है, इसको मैं थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी इसके में। कि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। जो बड़े बड़े पीस हैं आपको थोड़े छोटे छोटे कर लें। ये देखें सारे मैंने छोटे कर लिए इसके पीस। अब इसको हम ग्लैंड करेंगे। ये मैंने जूसर मशीन ली है। अब ये मैं स्ट्रॉबेरी इसमें डाल दूँगी सारी। ये दूध भी मैं डाल दूँगी इसी में। अब इसको मैं ग्लैंड करूँगी। अच्छी तरह मैं इसको ग्लैंड करूंगी पहले। अब इसमें मैं ये शुगर डाल दूंगी जो लिया मैंने। आप अपने ज़्यादा, अगर आप मीठा पीते, मीठा अगर शेक पीते तो आप मीठा डाल दें, और ज़्यादा चीनी डालते हैं। मैंने 5 टेबलस्पून लिया। ये जो स्ट्रॉबेरी है मैंने चीनी डाली, जो उसको अच्छे से ग्लैंड करना है कि मुँह में चीनी हो या स्ट्रॉबेरी का जो वो नहीं आए मुँह के अंदर। तो अच्छी तरह इसको हम ग्लैंड करेंगे। ये देखें अच्छे से ग्लैंड हो गया ये। अब इसमें मैं ये व्हिपिंग क्रीम डाल दूँगी। इसको भी अब अच्छे से ग्लैंड करेंगे। अच्छे से ये ग्लैंड हो गया। ये भी इसमें थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून और शुगर डाल दूंगी, क्योंकि इसमें क्यूब्स भी डालेंगी तो मैं 2 टेबलस्पून और डाल। फिर हम अच्छे से ग्लैंड करेंगे इसको। ये क्यूब्स हम इसमें डाल देंगे, सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, थोड़ी सी हम बचा लेंगे। फिर इसको ब्लेंड करेंगे। 2 मिनट तक हमें इसको ब्लेंड करना है और बर्फ डाल के। ये अब इसको मैं निकाल लूंगी। ये मैंने एक मग लिया ये, जिसमें डाल ये स्ट्रॉबेरी शेक मैं इसमें डाल दूंगी सारा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करें। और ये गर्मियों का सीज़न है, ये कि मिल्क शेक बहुत अच्छा रहता है, आप भी पिएं बना के ये रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके।